गाइज ये देख लो, अभी हम बैठे हैं गाड़ी में, स्टार्टिंग आज यहीं से हो रही है। और गाइज मैंने ना बैक कैमरा चला रखा है क्योंकि अभी हम गाड़ी में है तो इसमें जो है मेरी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही फ्रंट से क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो गाइज हेलो गाइज कर दो ऐसे बना लेती हूँ ना। तो गाइज हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, सेफ होगे। तो गाइज अभी हम गाड़ी में बैठे हैं और रात के गाइज 8 बज रहे इस टाइम। तो गाइज आज ये भाई के मतलब हमारा भतीजा है, उसका बर्थडे आज, वो 1 साल को हो गया है आज, 30 जनवरी आज। और गाइज अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, कासना आ चुके हैं हम, क्योंकि गाइज उसका ना बर्थडे ऐसे कोई ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारा भाई जो उसको तो अपनी बहन मतलब चाहिए ही वहाँ पे घर के ही है सिर्फ, क्योंकि केक कट रहा है। तो उसका फोन आया अर्जेंट में कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों बहन जरूर आओगी यहाँ पे, अभी पापा कराएंगे, चाहे हम इसका बर्थडे मतलब ज्यादा उससे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन उसकी बुआ आनी चाहिए वहाँ पे, भाई की बहन जानी चाहिए। तो अभी हम मतलब उसका फोन आया था 5:30 बजे। तो गाइज फिर यही रेडी हुई है उसके बाद फटाफट से, और अभी हम गाइज अब शाम का टाइम है तो इस वजह से ना गाइज जाम हो रहा था रास्ते में बहुत। तो अभी 8 बज चुके हैं, हम क्या जा रहे हैं, लेकिन बस केक ले लिया है भाई साहब ने, ये देख लो दिख रहा है ना, देख लो। तो गाइज केक बीच ना जावे, हाथ में ही लेना पड़ेगा। तो गाइस केक ले लिया है और बस हम अभी निकल रहे हैं घर पे, क्योंकि गाइस हमारा इंतजार हो रहा है अब केक कटने के लिए। बेटा रुको, तो गाइस अभी चलते हैं और आपको बाद में बताते हैं, क्योंकि गाइस अभी ना हो रहा है तो और बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी पहले चलते हैं घर पे। तो गाइज टाइम हो रहा है 8:15 का और हम घर पहुंच चुके हैं। तो पहले हम खाना खा रहे हैं वैसे, क्योंकि गाइज वैसे तो हमारा इंतज़ार हो रहा था केक कट करने के लिए, लेकिन फिर सब बोलने लगे कि थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेंगे, पहले आप खाना खा लो उसके बाद ही केक काटेंगे। तो गाइज़ अभी जो है कोई बर्थडे का तैयारी नहीं थी, घर पे भी मना नहीं रहे थे, लेकिन फिर पापा जी ने जो है बोल दिया कि मैं केक काटूंगा, लाला का कटवाऊंगा। और घर घर के ये वैसे तो गाइज बाहर का कोई भी नहीं, लेकिन फिर भाई ने बोला कि मेरी दोनों बहनें ज़रूर आएंगी, तो उसका फिर एकदम से ही फ़ोन आया कि ऐसे जो है केक काटेंगे, तो भाई आपको ज़रूर आना है। इस वजह से गाइज हम फिर साथ के साथ निकल गए, हम घर से 6:30 बजे के करीब निकले थे, और रास्ते में फिर गाइज केक लिया तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो हम पहुँचे थे 8:15 बजे। इतनी सारी तैयारी हो चुकी थी तो बस केक काटना था। तो गाइज अब भी अपना केक काट ले, ये चाहिए बलून ठीक है। मम्मी तो है, बड़ी मम्मी बड़ी, हाँ सबसे बड़ी मम्मी, आप बड़ा कोई दिक्कत ना हमारी, मैं और बुआ देखियो, मैं तो हंसी रही हूँ, विवेक का भी देखे, विवेक कोमल देखेगी तो ऐसे इधर खड़े हो जाओ सब। ओ सबके टोपी लगी देख, ऊपर ही है पार्टी, कोई नहीं है ना, देख चाचा अर्जुन ने कहा ले लियो सुई। थोड़ा
ओए बर्थडे बॉय, आइए आज बर्थडे बॉय है। बर्थडे बॉय क्या खा ले हो? पूरी पूरी खा लो है गुड्डा। कपड़े चेंज हो गए इसके। गाइस ये ना सो गया था और थोड़ी देर के लिए सिर्फ गोदी गोदी में, फिर उठ गया। दुम लक, ओए नोच, राधे राधे करियो विवान। अभी कर रहा है यार, अब नहीं कर रहा है वो, अब ना करे बालक यू ही तो फोन यू भी कासु हो रो। फोन स्टार्ट होते हैं चुप। विवान ओ मम्मा देख रही है, मम्मा देख रही है। भाई ने भी हम बुला लिए, तंत के तंत है भाई, आप खुश है तो? दे मम्मी देख के दाल लगा ले। आ जाओ चलो, तुमने फोटो भी ना। सो गाइज रात हम आए थे 12:30 बजे, क्योंकि ये है कि 8 बजे तो गाइज हम वहाँ पे जो है पहुँचे ही थे, तो फिर हम 8 बजे मतलब कि वहाँ से निकले थे 11:30 बजे, फिर हम यहाँ 12:30 बजे आए थे। तो गाइज यही है कि रात फिर आके मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि कपड़े वपड़े चेंज करे बच्चों के और फिर जो है हम सो गए। तो गाइज अभी बज रहे 8:00 और हम जो है उठ चुके हैं, चाय वाय बन गई है, सब्जी बना दी है गाइज, आटा लगा के रख दिया और कपड़े मेरे धूल है। और गाइज आज इतना कोहल है ना, इतनी सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। रात भी गाइज हम ना एक बार तो हम वापस ही जा रहे थे, जैसे कि घर से निकले मम्मी तो जो है मना कर रही थी कि सुबह चले जाना, भाई भी मना कर रहा था, लेकिन गाइज यही है फिर ड्यूटी जाना रहता है भाई साहब को, सुबह सुबह भी आना पड़ता जल्दी, तो हमने सोचा कि अभी निकल लेते हैं। और गाइज रात में इतना कोहल था कि रास्ते में मतलब थोड़ी दूरी आए थे घर से हम, और इतना कोहल कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक बार के लिए तो हम सब डर गए मतलब, क्योंकि गाइज कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर हमने सोचा कि चलो वापस ही चलते हैं। फिर थोड़ी देर गाइज पहले हम खड़े रहे वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि गाइज वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा कोहल है, यहाँ भी है लेकिन वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा था। तो इस फिर हम जो है आ ही गए धीरे धीरे, लेकिन गाइज रास्ते में इधर नहीं था इतना कोहल जितना वहाँ पे था। फिर हम जो है आ गए वहाँ से, तो 12:30 बजे आए थे गाइज, वैसे इसीलिए वैसे तो और जल्दी आ जाते, लेकिन कोहल की वजह से जो है मंदी मंदी गाड़ी चलाई थी भाई साहब ने, तो इसलिए 12:30 बजे आए। और गाइज कल तो बस यही है कि अर्जेंट में ही गए थे हम, क्योंकि भाई का जो है एकदम से फ़ोन आ गया, तो फिर हम साथ के साथ ही गए थे। और अभी जो है अपना यहाँ पे आ चुके हैं गाइज फिर से, तो काम कर रहे हैं अभी, कपड़े धो रहे हैं हमारे, और बच्चे जो है सो रहे हैं, क्योंकि गाइज आज ना हर्षू और इन सब की तो पीटीएम है, तो थोड़ा लेट ही जाएंगे, लेकिन परी स्कूल जाएगी। अभी नहीं, अभी टाइम है गाइज, अभी ना इसका स्कूल 9:30 बजे का हो गया है, तो अभी तो 8 ही बजे, थोड़ी देर और सोने देते हैं। सब्जी बनी गई, आटा लगा दिया गाइज, तो इसके लिए जो है लंच पैक करना है, बस पराठे बना दूँगी। और गाइज बस ये व्लॉग इतना ही बनाऊंगी मैं आज का जो है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।